हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड पावर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल के जीरो को फाइंड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे हम लोग। इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर, ये जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसको इन सब से डिवाइड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इस पॉलीनोमियल पे जिसकी वैल्यू एक्स की, ये पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का होल क्यूब आएगा 1, क्योंकि माइनस 1 एंड माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और फिर इसमें एक माइनस का और मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से माइनस 1 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगी माइनस की 3 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि प्लस 3 का है और जो 1 है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आता है। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 3 बन जा 3, माइनस 3 प्लस 1, अब प्लस का 3 एंड प्लस का 1 ऐड करेंगे 4, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, प्लस माइनस के 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइंड, रिमाइंडर हो गया इसका 0। अगला फाइंड करते हैं सेकंड नंबर, एक्स माइनस 1 बाई 2, तो इसको भी फाइंड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये वैल्यू माइनस की है, इक्वल के साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, 1 का होल क्यूब करेंगे 1 एंड 2 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 2, 2 जा 4, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 बाय 2 प्लस 1। अब इसको करेंगे तो आएगा 1 बाय 8, माइनस 3 1 जा 3 बाय 4 प्लस 2 बाय सॉरी 3 बाय 2 प्लस 1। चलिए इसको इधर फाइंड कर लेते हैं। अब इन सबका एलसीएम लेंगे, इसके अपान में भी 1 ले लेंगे, 8 4 2 एंड 1 का एलसीएम आएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 पे 1 आएगा।
ये वन माइनस फोर से एट को डिवाइड करेंगे, फोर टू जा एट, टू आएगा, टू का मल्टीप्लाई थ्री पे, टू थ्री जा सिक्स, प्लस टू से एट को डिवाइड करेंगे, टू फोर जा एट, फोर आएगा, फोर का मल्टीप्लाई थ्री पे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस वन से एट को डिवाइड करेंगे एट, एंड एट का मल्टीप्लाई वन पे एट। अब ऐड कर लीजिए सारे प्लस के नंबर, ये है प्लस का वन, प्लस का ट्वेल्व, प्लस का एट, प्लस का ट्वेल्व एंड एट ऐड करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी, एंड वन ट्वेंटी वन माइनस सिक्स बाई एट। अब करते हैं इसको लेस, ठीक है, चलिए करेंगे इसको लेस, तो ट्वेंटी वन पे सिक्स को लेस करें कितना आएगा, फिफ्टीन बाई एट। तो इस पे क्या है, रिमाइंडर जीरो फाइंड नहीं हुआ है, इसका रिमाइंडर क्या फाइंड हुआ, फिफ्टीन बाई एट। थर्ड नंबर क्या था, एक्स, इस पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, जब कोई वैल्यू ना हो तो जीरो पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, जीरो का होल क्यूब प्लस थ्री जीरो का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन, जीरो का होल क्यूब जीरो, थ्री इंटू जीरो का होल स्क्वायर जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो थ्री सॉरी जीरो प्लस वन, जीरो प्लस थ्री का मल्टीप्लाई जीरो पे जीरो प्लस जीरो प्लस वन, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, वन रिमाइंडर, और इसका था फिफ्टीन बाई एट। ओके, फोर्थ नंबर एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई इजक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी एक्स इजक्वल टू माइनस पाई। अब माइनस पाई वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल पे, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई प्लस वन, माइनस पाई का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस का पाई होल क्यूब, ठीक है, प्लस वन, क्योंकि माइनस एंड माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, ये तो होगा टू टाइम्स, बट करना कितने टाइम है, थ्री टाइम्स, एंड प्लस में जब फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री पाई प्लस वन। तो फाइनली माइनस पाई का होल क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, ये हो गया रिमाइंडर। फिफ्थ नंबर फाइव प्लस टू एक्स, फाइव प्लस टू एक्स इजक्वल टू जीरो, फाइव इक्वल माइनस टू एक्स, ठीक है, फिर प्लस की वैल्यू है इक्वल की साइड माइनस पे आ जाएगी। अब क्या करेंगे, एक्स इजक्वल टू ये जो टू है यहां मल्टीप्लाई पे है, इक्वल की साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस पे, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे करेंगे टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ये टू मल्टीप्लाई पे है, इक्वल किस साइड आ जाएगा डिवाइड पे। अब वैल्यू पुट करते हैं,
माइनस फाइव बाय टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस वन। माइनस फाइव का होल क्यूब करेंगे तो आएगा, देखो देखिए फाइव इंटू फाइव करेंगे ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई फिर फाइव के साथ करेंगे तो आ जाएगा 125 एंड सिंबल आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स होगा 125 माइनस का एंड टू का मल्टीप्लाई करना थ्री टाइम्स तो टू टू जा फोर एंड फोर टू जा एट प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव एंड माइनस फाइव इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 25 बाई टू टू जा फोर प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा फिर प्लस एंड माइनस का सिंबल माइनस आएगा थ्री फाइव जा 15 बाय टू प्लस वन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा माइनस टू माइनस 125 बाय एट प्लस थ्री फाइव जा 15 वन कैरी हुआ ये एंड थ्री सिक्स सॉरी थ्री टू जा सिक्स वन ऐड करेंगे सेवन तो हो जाएगा 75 बाय फोर माइनस 15 बाय टू प्लस वन। एलसीएम लेंगे एट, ठीक है। अब एट से एट को डिवाइड करेंगे वन, वन का मल्टीप्लाई माइनस 125 पे आएगा माइनस 125 प्लस फोर से एट को डिवाइड करेंगे टू, टू का मल्टीप्लाई 75 पर तो टू फाइव जा टेन वन कैरी हुआ टू सेवन जा 14 एंड प्लस वन करेंगे 15 माइनस टू से टू से एट को डिवाइड करेंगे तो आएगा टू फोर जा एट फोर एंड फोर का मल्टीप्लाई 15 पे तो ये हो जाएगा 15 फोर जा 16 प्लस इसके अपान पे वन ले लेंगे, वन से एट को डिवाइड करेंगे एट, एट का मल्टीप्लाई वन पे एट, ये हो गई फाइनली वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस की वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे एंड प्लस प्लस की वैल्यू ऐड कर लेंगे तो माइनस 125 एंड 16 को ऐड करेंगे तो फाइव एंड जीरो हो जाएगा फाइव सिक्स एंड टू एट एंड वन बचा गया वन, माइनस का सिंबल आ जाएगा प्लस, प्लस की वैल्यू है 150 एंड एट तो ऐड करेंगे एट एंड जीरो क्या हो जाएगा एट, ये फाइव एंड वन अपान एट। अब करेंगे लेस, इस पे माइनस की वैल्यू बढ़ी तो सिंबल माइनस का आएगा, लेस करते हैं ये है फाइव एंड फाइव में एट लेस नहीं होगा तो इस एट से इस एट से एक एक ले लेंगे बोरो, ठीक है तो ये हो जाएगा 15 एंड 15 पे एट को लेस करेंगे तो आएगा सेवन, यहाँ बचेगा सेवन, सेवन पे फाइव को लेस करेंगे टू एंड अब बचेगा यहाँ पे वन, वन पे वन पे लेस करेंगे जीरो आ जाएगा ये एट तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया माइनस 27 बाई एट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एट से डिवाइड करेंगे 27 को तो आएगा एट थ्री जे 24 एंड इस पे फिर थ्री बचेगा, ठीक है तो उसको लिख देंगे ऐसे लिखेंगे माइनस
थ्री इज टू थ्री बाई एट, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इसको भी बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर फाइंड करना एंड डिवाइड करना एक्स माइनस ए से, किसको, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ए को बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। एक्स माइनस ए इजक्वल टू जीरो, एक्स इजक्वल टू ए, एक्स इक्वल ए इस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, ए का होल क्यूब करेंगे ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए होल क्यूब, क्योंकि इस ए की वैल्यू है वन एंड मल्टीप्लाई पे जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो इसकी वैल्यू है टू एंड इसकी वैल्यू है वन, तो ऐड होकर हो जाएगी ए की वैल्यू थ्री प्लस सिक्स ए माइनस ए, प्लस का ए क्यूब माइनस के ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिक्स ए में ए को लेस करेंगे तो रिमाइंडर क्या फाइंड हो जाएगा फाइव ए, ओके। नंबर थर्ड, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, तो क्या करना है, सेवन प्लस थ्री एक्स से थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स को डिवाइड करना है एंड ये बताना है कि ये कि सेवन प्लस थ्री एक्स थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेवन प्लस थ्री एक्स की वैल्यू फाइंड करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले सेवन प्लस थ्री एक्स को इक्वल के जीरो रखेंगे, अब ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का सेवन, एक्स इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री, अब एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स पे पुट करेंगे, अगर अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है ठीक है तो ये फैक्टर होगा, अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। चलिए रखते हैं वैल्यू थ्री माइनस सेवन बाई थ्री का होल क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन बाई थ्री, ये हो जाएगा थ्री इंटू सेवन का सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एंड फोर्टी नाइन का जब फिर सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एंड माइनस का थ्री बार मल्टीप्लाई होगा या पहले बाबा पढ़ चुके हैं तो ये आ जाएगा माइनस ही बाई थ्री थ्री जा नाइन और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन बाई थ्री। अब क्या करेंगे, थ्री वन जा थ्री और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, क्या करेंगे इनको लिखेंगे माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री बाई नाइन माइनस फोर्टी नाइन बाई थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाइन और थ्री का एलसीएम लेंगे आ जाएगा नाइन, नाइन से नाइन को डिवाइड करेंगे वन, वन का मल्टीप्लाई माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस फोर हंड्रेड ट्वेंटी सॉरी माइनस फोर हंड्रेड
वैल्यू होगी माइनस 343 माइनस, ठीक है। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा एंड 3 का मल्टीप्लाई 49 पे। चलिए करते हैं, 3 9 जा 27, 2 हो गया कैरी एंड फिर 3 से 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा होता है 12 और 2 ऐड कर देंगे 14। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस की वैल्यू है, सिंपल माइनस का आएगा बट ये नंबर ऐड हो जाएंगे। ऐड करते हैं 7 and 3 0, 4 and 4 8 एंड यहाँ पे हुआ था 1 कैरी क्योंकि 7 3 ऐड करने पर, तो 4 4 8 and 1 9 3 and 1 4 by 9। तो इसका फाइनली रिमाइंडर क्या आया, -490/9। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए ये क्या है इसको चलो लिख देते हैं ऐसे, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अब बस इतना ही, एक्सरसाइज 2.30 ऑफ ए पॉलीनोमियल कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।